बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का 18वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो 16 लेक्चर्स में हमने प्रोग्रामिंग की बिल्कुल बेसिक चीज़ें और इफ कंडीशन जो है उसको जो है वो देखा था, सीखा था, और उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके साथ कोई 60 के करीब प्रॉब्लम्स शेयर किए थे। अब लास्ट लेक्चर जो है वो मैंने लूप पे स्टार्ट किया था, जिसमें लूप को बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो स्टार्ट किया था। लेकिन उसके अंदर जो है वो मैंने जब लेक्चर किया तो मैंने फील किया कि एक दो सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की जरूरत पड़ेगी, और आगे भी आने वाले लेक्चर में इस तरह के सवाल आएंगे जिनमें स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा लेक्चर जो है वो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पर रिवाइज कर लिया जाए। वैसे मैंने ये कवर की हुई है चीज़ें, लेकिन स्टूडेंट जो है वो ओवरलुक कर जाते हैं, अपनी तवज्जो से नहीं चीज करते, तो फिर वो चीज़ उस तरह से याद नहीं रहती। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को देखेंगे, लेकिन साथ लूप को देखेंगे, और जो है वो कुछ इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने लूप आइट्रेशन या रेपिटेशन के बारे में पढ़ा कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने का नाम है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लूप के जरिए रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए हमने व्हाइल कंडीशन यूज की, और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है आप ये स्टेटमेंट 1, 2, 3 रिपीट कर सकते हैं। इसके नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं, i = 1, व्हाइल i < 10, प्रिंट i = i+1। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं लूप के अंदर व्हाइल के नीचे, ये रिपीट होती रहेंगी। कब तक रिपीट होती रहेंगी? जब तक कि आई जो है वो लेस देन या इक्वल रहेगा 10 के। यानी इसका मतलब यह है कि हम 10 टाइम्स नीचे वाली स्टेटमेंट्स को रिपीट कर रहे हैं। 10 टाइम्स क्यों रिपीट कर रहे हैं? ये कॉम्बो है i = 1 और i < 10। 1 से शुरू होकर 10 तक जाएगा, तो वो 1 से 10 तक अगर आप उंगलियों पे भी काउंट करें तो आपकी 10 उंगलियां हैं, और वो 10 की 10 पे आप 1, 2, 3 शुरू करें तो आखिरी उंगली पे जो है वो 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी 11वीं उंगली जो है वो बाहर होगी, ठीक है, तो वो लूप भी इसी तरह से बाहर होगा, ठीक है। लूप यानी रुक जाएगा जब आई जो है वो 11 होगा। ये आपके साथ हैकर रैंक का कॉन्टेस्ट शेयर किया था, सिंगल लूप लेवल 1, जिसमें ये प्रॉब्लम थी प्रिंट नंबर्स n1 to n2, प्रिंट नंबर n2 to n1, और ये जो आपके सामने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ये बेसिकली स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है, जिसमें अगर आप फंसे हुए थे तो आज के लेक्चर के बाद निकल जाएंगे और आप पीछे जाके वो वाली प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। प्रिंट फोर फ्लोट सीक्वेंस, और फिर ये एक और प्रॉब्लम था n1 to n2 विद के इंक्रीमेंट, n1 to n2 विद के इंक्रीमेंट, तो इसमें भी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन यूज हो रही है। तो इसको अभी इस लेक्चर को सुन लें और फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम पे भी दोबारा चल जाइएगा। प्रिंट स्क्वायर ऑफ एन नंबर, ये सिंपल था। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या है, ये हमने हस्बे आदत जो है वो किससे पूछा? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, चैट जीपीटी से पूछा। तो चैट जीपीटी कहने लगे कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। ये दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्ट्रिंग जो है वो कंबाइन करिए स्ट्रिंग्स को, ये नहीं है कि स्ट्रिंग कंबाइन करिए इंटीजर को, स्ट्रिंग कंबाइन करिए फ्लोट को, स्ट्रिंग कंबाइन करिए स्ट्रिंग को। तो अगर आपने स्ट्रिंग के साथ इंटीजर कंबाइन करना है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, वो भी आपने str का फंक्शन जो है वो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इसी तरह उससे फ्लोट भी कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है कि देयर आर सेवरल वेज टू अचीव स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इन पाइथन, उसमें से दो आज हम यहाँ पे देखेंगे। एक है प्लस ऑपरेटर यूज कर लें, जैसे ये एग्जाम्पल है स्ट्रिंग हेलो स्ट्रिंग टू वर्ल्ड, और फिर मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रिंग 1 प्लस स्पेस, ये सिंगल कोट्स में क्या है, स्पेस प्लस str2, तो ये आपके पास आएगा हेलो स्पेस वर्ल्ड। अगर आप ये बीच वाली स्पेसेस हटा देंगे तो फिर हेलो वर्ल्ड इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो बीच वाली स्पेसेस हटा दें, सिर्फ ये लिख लें स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो हेलो वर्ल्ड इकट्ठा हो जाएगा। ये एक दूसरी एग्जाम्पल, दूसरा वे है प्लस इक्वल ऑपरेटर। प्लस इक्वल ऑपरेटर उस वक्त यूज करते हैं जबकि आपने उसी स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, यानी str1, str2, इनमें से किसी में ऐड करना है तो फिर प्लस इक्वल यूज कर लेंगे। जबकि अगर हम लेफ्ट साइड वाली एग्जाम्पल को देखें तो इसमें रिजल्ट एक नया वेरिएबल है, तो इक्वल करके भी आप प्लस का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या प्लस इक्वल भी यूज कर सकते हैं, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। R हमने एक स्ट्रिंग ली जिसको मैंने सिंगल कोट्स लिखा, दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। जिस तरह आप सम करते हुए अगर याद करें तो सम को आप किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से, इसी तरह R को इनिशियलाइज कर लेंगे
एम्प्टी स्ट्रिंग से। ये क्यों कर रहा हूँ इसको मैं आगे चल के बताता हूँ। आई इक्वल टू वन वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव। तो ये टिपिकल मैंने आपको कहा था लूप है, वन से शुरू होके फाइव तक जाना है। इसमें नीचे जो थर्ड वाइल के नीचे सेकेंड लाइन है आई इक्वल टू आई प्लस वन, ये लूप चलाने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि हम लूप के अंदर जो काम कर रहे हैं उसका भी लूप के वेरिएबल से कोई ताल्लुक बनना बहुत जरूरी है। ऐसा कतन नहीं है। लूप एग्जीक्यूट करना एक अलग बात है और लूप के अंदर क्या काम हो रहा है वो एक अलग बात है। जैसे कि इस लूप के अंदर असल काम क्या हो रहा है, आर इजिकल टू आर प्लस स्टेरिक, ये असल काम है जो कि हम लूप के अंदर कर रहे हैं, आर इजिकल टू आर प्लस स्टेरिक। ये कैसे चल रहा है ये मैं भी आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं लूप को पहले एक्सप्लेन कर दूं। आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ये लूप चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आई इक्वल टू आई प्लस वन नहीं करूंगा तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। अगर मैं आई को वन से इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो फिर आई की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये एरर दे देगा। और अगर आई लेस देन इक्वल फाइव की बजाय मैं कोई और नंबर लिखूंगा तो ये फाइव टाइम्स की बजाय कम या ज्यादा दफा चलेगा। अब आ जाते हैं आर इक्वल टू आर प्लस स्टैरिक की तरफ। तो ये देखिए, आर लेफ्ट साइड पे लिखा इज इक्वल टू आर प्लस स्टैरिक। ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ये राइट हो रहा है, आर के अंदर आर एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू राइट हो रही है, जबकि जो राइट साइड पे आ रहा है ये रीड हो रहा है कि आर की वैल्यू क्या थी। तो आर की कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, तो आर की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो हमने उसको इनिशियलाइज कर लिया आर को, किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। और ये किस तरह से काम कर रहा है, आउटपुट तो नीचे आपके पास आ रही है, पांच दफा स्टार आ रहा है, लेकिन हम ये आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आई की वैल्यू थी वन और आर था एम्प्टी पहली लाइन में जो लिखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे वाइल के नीचे आर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस स्टार। एम्प्टी स्ट्रिंग तो कुछ भी नहीं है, उसके साथ जब स्टार मिलाया तो आर में क्या आ गया, स्टार। फिर आई की वैल्यू टू हो गई। फिर दोबारा यही स्टेटमेंट चली, क्योंकि हम लूप में हैं, यही स्टेटमेंट चली। लेकिन अब फर्क क्या पड़ चुका है, फर्क ये पड़ चुका है कि जो राइट साइड पे आर लिखा हुआ है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एक स्टार आ गया है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बन गई, ये असल में बन गई स्टार प्लस स्टार। तो स्टार प्लस स्टार डबल स्टार, स्टार प्लस स्टार डबल स्टार, तो वो क्या हो गया, दोनों मिलके एक नई स्ट्रिंग बन गई। जो स्ट्रिंग की डेफिनेशन दी थी चैट जीपीटी ने, उसे याद करें कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़ने के काम आता है। तो एक स्ट्रिंग थी सिंगल स्टार और दूसरी स्ट्रिंग थी सिंगल स्टार, उन दोनों को जोड़ा डबल स्टार आ गया। फिर आई की वैल्यू थ्री हो गई। फिर अब वही स्टेटमेंट, उसमें आर सिंगल स्टार नहीं है, एम्प्टी नहीं है, बल्कि डबल स्टार है। तो डबल स्टार प्लस सिंगल स्टार ट्रिपल स्टार, थ्री स्टार। आर की वैल्यू क्या हो गई, थ्री स्टार। इसी तरह ही फोर में थ्री स्टार प्लस वन स्टार फोर स्टार। फिर आई इक्वल टू फाइव, फोर स्टार प्लस वन स्टार फाइव स्टार। और फिर आई की वैल्यू सिक्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रिंट आर की स्टेटमेंट लूप से बाहर है। अब लेफ्ट साइड पर देखें दोबारा, प्रिंट आर की स्टेटमेंट जो है वो इंडेंट नहीं हुई हुई, वो बल्कि पीछे को हटी हुई है, दीवार के साथ लगी हुई है लेफ्ट साइड पे, तो वो लूप से बाहर है। वो कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगर आप इसको लूप में लाना चाहते हैं तो इसको राइट साइड पे वो इंडेंट करें तो ये आ जाएगी। अगली किसी एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगली एग्जाम्पल जो है उसमें हमारे पास स्टार्स इज इक्वल टू स्टार, ये जिस तरह पहले मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ली थी, इस तरह अब मैंने सिंगल स्टार उसमें वो कर दिया। आई इक्वल टू वन वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू आई प्लस वन, आखिरी लाइन। ये फिर वही लूप चल रहा है, अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्टार्स। तो पहली दफा में एक स्टार प्रिंट होगा, फिर स्टार्स इज इक्वल टू स्टार प्लस स्टार दो स्टार, फिर प्रिंट स्टार। ठीक है, ये क्या है, लूप में है हम, प्रिंट स्टार्स जो है ये स्टेटमेंट लूप में है। तो ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ये एक दफा दो दफा तीन दफा चार दफा पांच दफा, जब तक कि आई की वैल्यू सिक्स नहीं हो जाती, ये रिपीट होता रहेगा, स्टार प्रिंट करता रहेगा और स्टार में एडिशन भी करता रहेगा। स्टार क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में जब प्लस करेंगे तो कंकेटिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी अगली एग्जाम्पल देखें। स्टार्स इज इक्वल टू स्टार, आई इक्वल टू वन वाइल आई इज लेस देन इक्वल फाइव, आई इक्वल टू आई प्लस वन, लूप वही है लेकिन प्रिंट करवाते हुए हमने थोड़ी सी चेंज कर दी। यानी अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पे सिर्फ स्टार प्रिंट हो रहे थे, अब आपने स्टार के साथ कंकेटिनेट कर दिया आई को, स्ट्रिंग आई। कहा था ना मैंने कि एग्जाम चैट जीपीटी क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो कंकेटिनेशन जो है वो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करती है।
तो आई जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, वो नंबर है, तो उसके साथ क्या लगा दिया, एसटीआर लगा दिया, तो उसको उसने कंकेटिनेट करना है प्लस कॉलन। ये आप आउटपुट अगर नीचे देखें तो उसमें कॉलन भी आपको नजर आ जाएगा। तो वन कॉलन स्टार्स, टू कॉलन स्टार्स, थ्री कॉलन स्टार्स, और स्टार्स क्या होते जा रहे हैं, वो ऐड होते जा रहे हैं। वो पिछले यहाँ पे भी स्टार्स देखें ऐड होते जा रहे थे ना, वही स्टार्स अब हमने कंबाइन कर दिए एस टी आर आई और कॉलन के साथ। तो आपको वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार आउटपुट मिलती है। तो जैसी आपको आउटपुट चाहिए आप उस तरह की आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्विकिंग करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा हुआ था वाइल के नीचे प्रिंट स्टार्स, जबकि यहां पे हम लिख रहे हैं प्रिंट एस टी आर आई प्लस कॉलन प्लस स्टार। इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। आई इक्वल टू वन, स्टार इज इक्वल टू सिंगल स्टार। अब ये देखें क्या हो रहा है, वन वन आई क्या था, वन, लेकिन वो स्ट्रिंग नहीं था। एस टी आर जब किया तो वो स्ट्रिंग बन गया, प्लस कॉलन प्लस स्टार, तो वो मिलके एक नई स्ट्रिंग बन गई जिसमें क्या है, वन कॉलन स्टार। तीन स्ट्रिंग्स को मिला दिया तो एक नई स्ट्रिंग बन गई, वन कॉलन स्टार। के बाद स्टार इज इक्वल टू स्टार प्लस वन, तो सिंगल स्टार प्लस सिंगल स्टार डबल स्टार, फिर टू कॉलन स्टार डबल स्टार, तो आउटपुट में एक स्ट्रिंग आ गई टू कॉलन डबल स्टार, उसको प्रिंट कर देंगे। इसी तरह थ्री कॉलन डबल स्टार और फोर और फाइव, इसी तरह से। अच्छा, एक आखिरी चीज जो है वो आपको शायद प्रोग्राम्स में हेल्प कर दे, वो हमने अभी तक कवर तो नहीं थी कि जिस तरह प्लस का ऑपरेटर कंकेटिनेशन में काम आता है, स्ट्रिंग्स की एडिशन नहीं करता, इसी तरह स्टार का ऑपरेशन जो है वो स्ट्रिंग्स को क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। ठीक है, स्टार का ऑपरेटर पाइथन में, ये आपने सी या जावा में नहीं इस तरह से लेना, मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ। इन पाइथन द स्टैटिक ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म स्ट्रिंग रेपिटेशन, इट्स अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग बाय रिपीटिंग द कंटेंट्स ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, इसी एग्जांपल देखें, मैंने लिखा प्रिंट हाइफन, ये सिंगल कोट्स में हाइफन है, ठीक है, इसको आप डैश भी बोल सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर साइंस में इसको हाइफन बोलते हैं, या जो लोग कंप्यूटर से फेमिलियर हैं तो ये हाइफन मल्टीप्लाई बाय फाइव, तो ये फाइव टाइम्स हाइफन प्रिंट हो जाएंगे। ये किस वजह से, ये स्टैटिक ऑपरेशन की वजह से। ये एक और दफा कहते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग है हेलो, और यहाँ पे रिपीटेड स्ट्रिंग में लिखा ओरिजिनल स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो तीन दफा ओरिजिनल स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हो जाएगी, हेलो हेलो हेलो, प्रिंट रिपीटेड स्ट्रिंग, तो ये क्या आ गया, हेलो हेलो हेलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद हमारे पास ये हैकर रैंक का टास्क है, सिंगल लूप लेवल वन, नहीं ये यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ये ऊपर वाला लूप है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको शेयर कर देता हूँ, स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, ये आपने इस पे जाना है, और इस पे ये पांच टास्क हैं, कंबाइन काउंटिंग विद कॉलन, इंक्रीज एरो साइज, जनरेट डबल साइडेड एरो, मेक एंड स्टेप स्टेयर्स, हॉलो ट्राइंगल। ये क्या प्रोग्राम्स हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील बताता हूँ और थोड़ा थोड़ा आपको इसको बारे में गाइड करता हूँ। पहला टास्क है कंबाइन काउंटिंग विद कॉलन, रीड एन इंटीजर एंड कंबाइन स्लैश कंकेटिनेट नंबर वन टू इंटीजर विद कॉलन। फॉर एग्जाम्पल से इंटीजर इज फोर, द आउटपुट विल बी वन कॉलन, टू कॉलन, थ्री कॉलन, फोर कॉलन। ठीक है, यानी अगर आउटपुट इनपुट फॉर्मेट देखें वहां पे फाइव, तो आउटपुट फॉर्मेट में वन कॉलन, टू कॉलन, थ्री कॉलन, फोर कॉलन, फाइव। सो क्या करेंगे, इंटीजर रीड कर लिया, ठीक है, उसके बाद लूप चला लिया। लूप कैसे चलाएंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आई इक्वल टू वन व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव और आई इक्वल टू आई प्लस वन, वही टिपिकल लूप है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हुए एस टी आर आई, नहीं प्रिंट अभी नहीं कराना, सॉरी प्रिंट नहीं, अभी स्ट्रिंग कंकेटिनेट करानी है, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे ऊपर। ठीक है, किस तरह से, जिस तरह से आपने यहां पे ली थी, ये पीछे में काफी सारा पीछे जा रहा हूं, ये आर इक्वल टू, अगर लेफ्ट साइड पे देखें आर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये बिल्कुल उसी तरह से आपने क्या कर लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग ली, और फिर आपने क्या किया, उसको लूप के अंदर कंकेटिनेट करना है, किससे, आर इज इक्वल टू आर प्लस एस टी आर आई प्लस कॉलन, आर इज इक्वल टू आर प्लस एस टी आर आई प्लस कॉलन। तो ये तीन स्ट्रिंग्स मिलके एक स्ट्रिंग बन जाएंगी, वन कॉलन, अगली दफा वन कॉलन के साथ टू कॉलन आ जाएगा, अगली दफा वन टू कॉलन के साथ थ्री कॉलन आ जाएगा, और जहां तक भी एन है वहां तक ये लूप चलता जाएगा। लूप से बाहर आके आपने अपने रिजल्ट को प्रिंट कर लेना है, जो आप कंकेटिनेटेड स्ट्रिंग बना रहे हैं ना उसको प्रिंट करवा देना है। टास्क टू है इंक्रीज एरो साइज, रीड एन इंटीजर एंड इंक्रीज एरो साइज फ्रॉम वन टू इंटीजर
यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वन साइड एरो, सो यू हैव टू जनरेट एन एरोस। एक तो आपने एन एरोस जनरेट करने हैं, दूसरा क्या हो रहा है कि जितने एरोस आ रहे हैं वो एक एक साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसमें स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहां पे आ रही है, जो लेफ्ट साइड पे एरो के जो वो लगे हुए हैं डैशेस लगे हुए हैं, या एरो की लेंथ को जो बढ़ा रहे हैं उनको कंकैटिनेट करना है। ठीक है, ये जो आपके पास कैरेट साइन है ये, या ग्रेटर देन साइन है, इस साइन को आपने जो है वो कंकैटिनेट नहीं करना है, इसको प्रिंट करवाते हुए कंकैटिनेट करना है। यानी आपने क्या किया, सिंपल आपने एक जो है वो आप ले लें एरो के नाम से एक वेरिएबल ले लें, उसमें सिंगल हाइफन स्टोर कर लें, ठीक है, और अंदर आगे क्या करें, प्रिंट प्रिंट हाइफन प्लस, और ये सिंगल, ये जो एरो है इसको सिंगल कोट में ऐड कर लें उसके साथ। अगली, और अगली लाइन में क्या करें, इसमें एक और हाइफन ऐड कर दें, फिर अगली लाइन में एक और हाइफन ऐड कर दें, तो जब भी आप प्रिंट कराएंगे हाइफन प्लस ये, तो हाइफन एक होगा तो एक प्रिंट हो जाएंगे, दो होगा दो प्रिंट हो जाएंगे, छह होंगे तो छह प्रिंट हो जाएंगे। आसान टास्क है ये, बिल्कुल पिछले टास्क की एक कॉपी है, जिसमें जो है वो आपको समझाने की कोशिश किया है कि फिर हाइफन ही आपने जनरेट करने हैं, और प्रिंट कराते हुए उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कंकेटिनेट करा देने हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, या एरो का लेफ्ट साइन और एरो का राइट साइन। टास्क फॉर अ रीड एन इंटीजर, प्रिंट एन स्टेप स्टेयर लुक लाइक वन स्टेप स्टेयर विल बी। ठीक है, ये आपने कभी नोट किया होगा कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने जो है वो एक स्टेप कहीं पे नीचे उतरे हैं, ठीक है, तो ये आपने एक स्टेप है, लेकिन आपने एक स्टेप नहीं बनाना बल्कि आपने एन स्टेप्स बनाने हैं। ठीक है, एन स्टेप्स जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो इनपुट फॉर्मेट में 3 है और आउटपुट फॉर्मेट में 1 2 3 स्टेप्स हैं। आसान सवाल है, ऊपर वाला जो स्टार है उसको अलहदा से लूप से बाहर प्रिंट कर, वो रिपीट नहीं हो रहा। यही एक गलती थी जो आप कर सकते थे, इसके अलावा मुझे उम्मीद तो नहीं कि आप गलती कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं मजीद गाइड करता हूँ कि पहला स्टार लूप से बाहर प्रिंट कर लें, उसके बाद लूप चला लें, और लूप के अंदर आपने 2 स्टार प्रिंट करने हैं। ठीक है, सिंपल 2 स्टार प्रिंट करते जाना है, और दूसरी चीज क्या है, स्पेस स्पेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्पेस बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करें, स्पेस का वेरिएबल लें, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से यानी सिंगल कोट्स के दरमियान कुछ भी लिखे बगैर एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करवाएं, और फिर लूप के अंदर क्या करें, प्रिंट स्पेस प्लस स्टार्स। जब आपने स्पेस को पहली दफा प्रिंट करना है तो स्पेस एम्प्टी होगी, तो आपके पास जो है वो खाली 2 स्टार्स आ जाएंगे जो आउटपुट की दूसरी लाइन है, उसके नीचे आपने लिखना है स्पेस इज इक्वल टू स्पेस प्लस सिंगल कोट्स में एक स्पेस डाल दें। अगली दफा जब आप प्रिंट करेंगे स्पेस प्लस 2 स्टार्स तो एक स्पेस आ जाएगी, उसकी अगली लाइन होगी स्पेस इज इक्वल टू स्पेस प्लस सिंगल स्पेस, तो वो 2 स्पेसेस बन जाएंगी, फिर वो 3 स्पेसेस बन जाएंगी, फिर वो 4 स्पेसेस बन जाएंगी, तो प्रिंट करवाते हुए आपने क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्लस 2 स्टार्स, 2 स्टार्स को सिंगल सिंगल कोट्स में डाल दें, वो एक स्ट्रिंग है, और उसके साथ स्ट्रिंग कंकेटिनेट कर देनी है, स्पेसेस वाली स्ट्रिंग को बढ़ाते जाना है। आसान टास्क है ये भी। अगला टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा परेशान नहीं होना। रीड एन इंटीजर एन एंड प्रिंट हॉलो ट्राइंगल ऑफ साइज एन। एक जो है वो आपके पास फुल ट्राइंगल भी होती है, यानी स्टार्स भरे भरे हुए होते या कोई और भी चीज, लेकिन यहाँ पे हॉलो है। ठीक है, तो इसको जरा समझ लें कि जो एग्जाम्पल दिया पहले उसको समझते हैं, फिर इनपुट फॉर्मेट को उससे वेरीफाई करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को। तो फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ऑफ साइज 5 विल बी 1 स्टार 2 स्टार विद 1 स्पेस, 3 स्टार 2 स्टार विद 2 स्पेसेस, 2 स्टार विद 3 स्पेसेस, और आखिरी लाइन में 6 स्टार है, 1 2 3 4 5 6 स्टार है। तो साइज 5 का मतलब मुझे जो यहां से समझ आ रहा है, उसका मतलब है कि 5 रोज होंगी। अगर साइज 5 है तो 5 रोज होंगी। अपने इस ख्याल को हम वेरीफाई करते हैं जो दूसरी एग्जांपल इनपुट फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट में दी है। यहाँ पे इनपुट में है 7 और जो आपको ट्राइंगल दी है उसके अंदर कितनी रोज है, 7 रोज है। ठीक है, दूसरी चीज जो नीचे वाली रो है उसके अंदर 6 स्टार्स हैं ऊपर, तो साइज 5 था। नीचे अगर आके देखें तो स्टार है 8 जबकि साइज था 7, तो नीचे वाली लाइन में 1 स्टार ज्यादा आएगा। ठीक है,
अब इस सवाल को किस तरह से करना है, अगेन मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मैं जो आपको गाइडेंस देने जा रहा हूं उसमें क्या है कि पहले वाला स्टार जो है ना वो तो अलग से प्रिंट करा लें, पहले वाला स्टार अलग से प्रिंट करा लें लूप से पहले। लूप के अंदर जो है ना अपनी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और सेकेंड लास्ट लाइन प्रिंट कर लें। अब आपने ये किस तरह मैनेज करना है, ठीक है, आपने ये किस तरह से मैनेज करना है कि आपने यानी कि ये लूप अगर साइज 5 है तो ये 3 दफा चल रहा है, अगर साइज 7 है तो ये 5 दफा चल रहा है। तो इसका तरीका क्या है कि आप जो है वो आई को 1 की बजाय आगे ले जाएं और एन तक यानी 3 4 5 6 7 अगर मैं करूंगा तो 5 दफा ही चलेगा ना, ठीक है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए, और अगर ऊपर साइज 5 है तो 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। तो आई को बजाय 1 से स्टार्ट करने के आई को 3 से स्टार्ट कर लें। अगर आई को 1 से स्टार्ट करना है तो आई लेस देन इक्वल एन की बजाय आई लेस देन इक्वल एन माइनस 2 ये लिखें, या आई प्लस 2 लेस देन एन, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह की 3 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, उनमें से कोई भी यूज कर लें, ठीक है, तो ये आपका मैनेज हो जाएगा। थोड़ी सी ट्विकिंग एक दो दफा में आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे याद आया अगर आप भूले हुए हैं तो हैकर एंड में रन की ऑप्शन होती है, आप जो है वो अपने कोड को सबमिट करने से पहले रन करके देख लिया करेंगे, ठीक है, आउटपुट आ रही है फिर सबमिट किया करें, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में आपका जवाब ठीक आएगा, अगर जो कुछ केसेस में कोई ऐसा केस हो सकता है इनपुट टेस्ट केस जो कि आपका नहीं सही चल रहा हो तो फिर आप वापस आ जाएंगे। खैर हम वापस चलते हैं सवाल की तरफ, टास्क की तरफ, ठीक है। तो अब आपने जो लूप के अंदर प्रिंट करना है वो क्या प्रिंट करना है, 2 स्टार्स प्रिंट करने हैं और बीच में स्पेस, तो स्पेस का एक वेरिएबल लें जिसके अंदर एक स्पेस डालना है। पहली दफा जब आप प्रिंट करेंगे तो लिखेंगे प्रिंट सिंगल स्टार सिंगल कोट में प्लस स्पेस का वेरिएबल प्लस फिर सिंगल स्टार, और नीचे वाली लाइन में स्पेस इज इक्वल टू स्पेस प्लस स्पेस, स्पेस इज इक्वल टू स्पेस प्लस स्पेस नहीं लिख देना वरना वो स्पेस डबल होनी शुरू हो जाएगी। स्पेस इज इक्वल टू स्पेस प्लस सिंगल कोट में स्पेस, स्पेस इज इक्वल टू स्पेस प्लस सिंगल कोट में स्पेस, तो वो एक एक स्पेस ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपने एन माइनस 2 लाइंस प्रिंट कर ली, और फिर आखिरी लाइन जो प्रिंट करनी है आपने वो आप स्टेरिक के ऑपरेटर से कर सकते हैं, प्रिंट स्टेरिक सिंगल कोट में स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1, तो अगर 5 था तो 5 प्लस 1 6 स्टार्स आ जाएंगे, अगर वो 7 था तो 7 प्लस 1 8 स्टार्स आ जाएंगे। तो पहली लाइन और आखिरी लाइन लूप से बाहर, पहली लाइन लूप से पहले, आखिरी लाइन लूप के बाद, और बीच वाली लाइनें जो 3 हैं या 5 हैं या 7 हैं जितने भी एन है उसके मुताबिक वो लूप के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये टास्क कर लेंगे, और जो टास्क आपने पिछले उसके मिस किए थे वो भी आप दोबारा कर लेंगे, और हम इंशाल्लाह फिर लूप को कंटिन्यू रखेंगे। लूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले जो है वो कॉन्सेप्ट्स या अगली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।